हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो अभी मैं घर के काम में बहुत बिजी हूँ। देखिए, अभी मैं कपड़े उठा करके लाई हूँ, तो मैंने सोचा इनको पहले मैं घर करके रख देती हूँ। तो सुबह का टाइम है और बच्चे लोग भी स्कूल चले गए, तो 15 अगस्त का ये वीडियो है मेरे। तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए 8 बजे, उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग चुकी हूँ। तो मैंने सबसे पहले सुबह झाड़ू पोछा किया, पूजा पाठ किया नहा धो करके, और उसके बाद मैं फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ते में आज मैंने पोहा और चाय बनाई थी, तो बच्चों ने वही नाश्ता किया था, तो हम सब ने कर लिया था उनके साथ साथ में। फिर जो है बच्चे लोग स्कूल गए और मैं अपने घर के काम में लग चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए, अभी कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत अच्छे से धूप निकल रही है। कभी कभार थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, और नहीं तो धूप आ जाती है, तो कपड़े भी अभी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो कपड़े मेरे सूख गए थे, तो हमने सोचा कि इनको भी हम घड़ी करके रख देते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं, और उसके बाद में देखिए, अभी मैंने नहा तो लिया था सुबह ही, लेकिन मैंने चोटी वगैरह नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलिए अभी मैं चोटी वोटी भी कर लेती हूँ। बाल तो निकाल लिए थे, लेकिन चोटी नहीं की थी, क्योंकि बाल गीले थे इस वजह से। तो बस मेरी यहाँ पर देखिए, मैंने सिंदूर वगैरह लगा के उसके बाद मैंने लगा लिया है जूड़ा, और जूड़ा लग जाता है तो फिर अच्छा लगता है। ज़्यादा देर तक हम खुले बालों में नहीं रह पाते हैं, और थोड़े बहुत हमारे बाल अभी झड़ने लगे हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर तक खुले बाल नहीं करके रह पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जूड़ा वूड़ा लगा लिया है, और अभी देखिए मैं मिल रही हूँ थोड़ी सी देर में, और दोपहर का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा चलिए खाना पीना बना लेती हूँ। बच्चे लोग अभी आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, उनके लिए नहीं मतलब सभी खाएंगे फिर। तो यहाँ पर आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, गीली खिचड़ी। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़े से आलू काट लिए, और प्याज हरी मिर्ची ये सब करके काट के रख लिया, और उसके बाद मैं छौंक देती हूँ उसमें, कुकर में छौंक रही हूँ। तो आज है ना, थोड़ी सी मैं गीली वाली खिचड़ी बना रही हूँ, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी, तो इसीलिए मैं ये वाली खिचड़ी बना रही हूँ। क्योंकि है ना, गाँव में गीली खिचड़ी बनती है, सूखी वाली जानते ही नहीं है मैं। तो यहाँ आके हमें पता चला है कि ये सूखी खिचड़ी बनती है, तो मैं वैसी बनाती हूँ, और वैसी भी है ना बहुत उनको, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो वाली बना लेती हूँ। और ये वाली, तो ये वाली जब बनाती है ना, तो गांव की फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि गांव की जो है मैं गाँव में बैठ करके खा रही हूँ, तो ऐसा लगता है, इसलिए मैं ना आज गाँव की तरीके से खिचड़ी बना रही हूँ। तो देखिए, अभी पहले मैं खिचड़ी को छौंक देती हूँ, आलू वालू कट करके, और इसमें कुकर में छौंक रही हूँ। तो देखिए, अभी मैं छौंक रही हूँ, अभी थोड़ा सा मसाला वसाला इसमें मैंने डाल दिया है, प्याज व्याज ये सब डाल के इसको मैं अच्छे से छौंक देती हूँ। तो दिन भर मुझे काम करते करते निकल जाता है, इतना सारा काम हो जाता है, और अकेले सारा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से इतना काम हो जाता है कि दिन भर जो अगर करो तो पूरा दिन निकल जाए काम करते करते। तो इसलिए मैं सुबह से जल्दी उठती हूँ, और उसके बाद अपने जो है घर के काम फटाफट से करती हूँ, इसीलिए मेरे जो घर के काम जल्दी से हो जाते हैं। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद जो घर के काम में मैं लगती हूँ, वो जो है काम ख़त्म करके उसके बाद भी मैं अपना जो आराम करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी जो है खिचड़ी वगैरह को छौंक दिया, तो छौंकने के बाद अभी मतलब छौंकी नहीं है, छौंक रही है, तो इसमें मैं थोड़े से जो हमारे गांव के चावल हैं, हमारे यहाँ जो मेरे खेत के ही हैं, तो मैं जब दीपावली पे जाती हूँ ना, जब भी मैं लेके आती हूँ, तो ये वाले चावल जो गाँव से हम लेकर आते हैं ना, वो वाले चावल मैं साल भर तक रखती हूँ। और इन चावलों से ना मैं खीर बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, कभी कभार मट्ठी वगैरह ये बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं ये वाले चावल मैं बहुत दिनों तक रखती हूँ, जब तक मैं दूसरे चावल नए चावल नहीं लेके आती तब तक। तो देखिए, अभी मैं खिचड़ी को छौंक दिया है, और यहाँ पर मैं, हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं बहुत दिन से ना थोड़ी सी बिजी चल रही, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, बस ऐसा ही चल रहा, और मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं आता, तो ना आप सभी के वीडियो पर आ पाती हूँ, किसी के वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, ना ही जो है कमेंट का किसी का जल्दी से रिप्लाई दे पा रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हम बहुत बिजी चल रहे थे इस वजह से, और मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं आपके जो वीडियोस नहीं देख पा रही थी।
तो बस यहाँ पर अभी देखिए मैंने खिचड़ी को छोंक दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा छाछ बना लेती हूँ। ये मैंने कल शाम को दही जमाया था तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ छाछ बनाने के लिए, और थोड़ी सी मैं रख देती हूँ, बच्चे खाते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है, दही शक्कर डाल के खा लेते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैंने रख दिया। और ये देखिए मैं मुझे कम लग रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि ये छाछ अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये ना जब खिचड़ी बनती है ना तो बच्चों को खिचड़ी से अच्छी लगती है, सॉरी छाछ से उनको अच्छी लगती है इसलिए। और इसका ना ये वाली खिचड़ी घी से भी खा सकते हैं, तो मैं आज गांव के तरीके से मैं बना रही हूँ तो उसी तरीके से आज मैं छाछ छाछ से जो है खिचड़ी खाऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मेरा ये सारा काम हो गया है, और मैं यहाँ पर धनिया वगैरह इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस बार है ना बहुत सारी धनिया लेकर के आए थे, मैंने कहा इस बार कहीं मैं सोच रही थी, मैंने कहा आलू की कचौड़ी बनाएंगे या फिर पराठे बनाएंगे तो इन सभी में डालने के लिए, तो मैंने ले ली थी। और अभी है ना धनिया बहुत सस्ती भी हो गई है तो मैंने ले ली। तो देखिए यहाँ पर धनिया जब आलू के पराठे या फिर कचौड़ी बनाते हैं ना उनमें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी धनिया ले ली थी। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी देर में मिल रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन चुकी है और इसमें मैं सारी धनिया डाल देती हूँ। तो धनिया डालने के बाद इसका टेस्ट 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, इतनी अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी जब धनिया पड़ जाती है तब। तो चलिए दोस्तों मैंने छोटा सा वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और अपना ध्यान जरूर रखना मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे।